जब हम अपने आप से बोलना बंद कर देते हैं तो थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। क्या आप बिना बोले कुछ सोच सकते हो? तो ये जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं इसके साथ में कुछ पिक्चर्स, कुछ सेंसेशंस, कुछ एक्सपीरियंसेस एसोसिएटेड होते हैं। इस तरह से ये माइंड वर्क करता है। अब जो जानवर है वहाँ पर लैंग्वेज है लेकिन बहुत ही सिंपल है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं है। तो जानवर भी सोचते हैं, जैसे जंगल में जब शेर आता है तो उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, वो आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किया और काम खत्म, उनकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल है। लेकिन हमारी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वहां पर हम खुद जा करके फंस जाते हैं। जरूरत नहीं भी है तब भी इमेजिन करने लग जाते हैं, ये हो गया तो क्या होगा फ्यूचर से रिलेटेड, पास में कुछ हो गया था जिसको सोचने की जरूरत नहीं है, सोचते रहते हैं। तो अगर हम अपने आप से बोलना बंद कर दें, जो कोई मुश्किल नहीं है, शुरू में अगर आप चाहें तो दिन में 2 मिनट करिए, 4 मिनट करिए, 5 मिनट करिए, दिस इज रियल साइलेंस। जैसे औरों से भी आप चाहें तो डिसाइड कर सकते हैं ना कि मैं आपसे नहीं बोलूंगा, वहां हम कर लेते हैं, ये उससे भी इजी है। अगर ये बात हमको समझ आए तो बहुत आसान है। अभी तक क्या था कि हम थॉट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट वी डोंट नो व्हाट थॉट इज। अगर हम बोलना धीरे धीरे अपने आप से कम कर दें तो थॉट्स कहाँ है? थॉट्स की फिर उतनी ही जगह है जितनी उसकी होनी चाहिए। यानी आपको कोई काम करना है, कुछ प्लानिंग करनी है अपने पूरे दिन की, वहां पे थॉट्स की जरूरत है ना, तो वहां पे आप प्लान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बोल बोल करके। अगर इसको स्लो मोशन में आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम प्लान करते हैं अपने दिन को। मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे कैसे सुन रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से देखेंगे ना कि अब इतने बजे मुझे ये करना है, फिर इतने बजे ये करना है, अच्छा ये हो गया तो क्या होगा, ये सब हम बोल ही तो रहे हैं अपने अंदर ही अंदर। तो जब जरूरी है तो बोलने में कोई बुराई नहीं है, तो थॉट बुरे नहीं है। जब हम मेडिटेशन को नहीं समझते तो हम क्या कहते हैं, थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, थॉट्स आने बंद हो जाएंगे तो मर गए ना, जिंदा लाश है फिर तो हम, तो थॉट्स प्रॉब्लम नहीं है। अननेसेसरी सेल्फ चैटरिंग इज प्रॉब्लम, खुद से बोलना भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खुद से बोलना मतलब सोचना, खुद से बोलिए। अगर आज हमको ये समझ आया कि माइंड क्या है, तो अब अगर खुद से बोलना ही है तो कुछ ढंग का बोलिए ना। आप अगर औरों से बात करते हैं तो सोच समझ के करते हैं ना, इन द सेंस देखते हैं कि किस बंदे से क्या बात करनी है, औरों से क्या बात करनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो आप खुद से बात करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारी ये बॉडी है जो अपने आप ही काम कर रही है, क्या हमको सोचने की जरूरत है अपने बाल बढ़ाने के लिए या अपने आप बढ़ते हैं? ब्रेथ चलाने के लिए क्या हमको सोचना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि मेरी ब्रेथ चले 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 चले? नहीं ना, अपने आप चलती है, नाखून अपने आप बढ़ते हैं, डाइजेशन अपने आप होता है। इसको आप कह सकते हैं नेचर की इंटेलिजेंस, जो जरूरी है हमारी बॉडी के लिए उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें चाहिए सर्वाइव करने के लिए वो सब हमारे अंदर ऑलरेडी फीडेड है। इसको आप इंटेलिजेंस कह सकते हैं, नेचर्स इंटेलिजेंस, जो भी हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए वो सब है हमारे पास, उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है, वी डोंट हैव टू थिंक। जो नेचर की इंटेलिजेंस है उसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा भंडार, वो पूरा खजाना हमारे अंदर है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहां थॉट को यूज करना है, कहां पे नहीं करना है, थॉट की लिमिटेशन क्या है ये हमको पता होना चाहिए, माइंड की लिमिटेशन क्या है वो हमको पता होना चाहिए। आप बीमार है, जितना अपने अंदर बोलेंगे मैं ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, ठीक क्यों नहीं हो रहा, उतना ही टाइम लगेगा। अगर उस टाइम पे आप रेस्ट करें 2-3 दिन के लिए तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे, जानवर यही तो करते हैं। तो थॉट हमको जो नेचर की रियल इंटेलिजेंस है उससे दूर कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है। ये जो हमारा माइंड है, जो हमारी थिंकिंग है, वो इंटरफेयर कर रही है नेचर के इंटेलिजेंस में। अगर वो इंटरफेयर कम करे तो सब कुछ बढ़िया है। तो अब माइंड को कंट्रोल कैसे करना है? जस्ट बी अवेयर ऑफ कि हम अपने अंदर ही अंदर क्या बोल रहे हैं, तो क्या होगा कि उसके बाद में उस थॉट को हम चाहे तो तभी अबैंडन कर सकते हैं। तो मोमेंट यू से ये मेरे काम का नहीं है, वो चला जाता है। लेकिन अगर आप कहोगे ये थॉट मेरे अंदर क्यों चल रहे हैं पास से रिलेटेड, ये नहीं आने चाहिए, तो वो नहीं जाता है। कोई पास मेमोरी आई या कोई फ्यूचर से रिलेटेड डर आया, आप कहते हो ये थॉट नहीं आना चाहिए, वो तो आ गया है ना। अब नहीं आना चाहिए क्या होता है, आ गया है ना वो तो ऑलरेडी, और आप उससे डर रहे हो तभी तो आप कह रहे हो नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ से मैं क्या कह रहा हूं, वो थॉट आया, अब आप बोलिए कि थॉट नहीं जाना चाहिए, कि अगले 1 घंटे तक ये थॉट बना ही रहना चाहिए। हम उससे डर रहे हैं जो हो ही नहीं सकता, मतलब आप चाहो भी तो 24 घंटे कोई पास मेमोरी बनी नहीं रह सकती। तो जब बना ही नहीं रह सकता तो डर क्यों रहे? इसको कहते हैं माइंड की समझ होना।